तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2000 एग्जाम 18 की तो आंसर की कब आएगी और रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, क्या पद बढ़ाए गए हैं, तो संपूर्ण जानकारी इन तीन टॉपिक्स पर, आंसर की, रिजल्ट और पदों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये खबर देख सकते हैं लाइव हिंदुस्तान समाचार पत्र की है और 4 जनवरी का अपडेट है, 8:09 का, और इसमें दिया गया है कि आपकी आंसर की कब आएगी। ये कंफर्म हो गया है कि RRB ग्रुप डी की उत्तर कुंजी 11 जनवरी को, ठीक है, 11 जनवरी को यहाँ पर आंसर की आने वाली है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी के पदों के लिए 17 सितंबर 2018 से 17 दिसंबर 2018 तक CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित किए थे। इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम और NDTV.com की खबर के मुताबिक, जो RRB अधिकारी हैं अंगराज मोहन ने बताया कि RRB ग्रुप डी की परीक्षा की उत्तर कुंजी 11 जनवरी को जारी की जा सकती है। 11 जनवरी को जारी की जा सकती है। अगर 11 को नहीं आती है तो 15 से 20 जनवरी तक यहाँ पर आपकी आंसर की जारी की जा सकती है। उम्मीदवार किसी प्रश्न को लेकर अपनी आपत्ति भी दर्ज करवा सकेंगे, इसके लिए उन्हें 7 दिन का समय दिया जाएगा। और रिजल्ट के बारे में उन्होंने कहा है कि ग्रुप डी का रिजल्ट फरवरी में जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फरवरी में रिजल्ट ग्रुप डी का जारी करने की बात कही जा रही है। और इंडियन एक्सप्रेस, तो इंडियन एक्सप्रेस यहाँ पर दोस्तों प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है और उसमें भी ये जानकारी प्रकाशित हुई थी कि 11 जनवरी को आंसर की जारी की जा सकती है, इसके अलावा फरवरी में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और आज के समाचार पत्र में मैं आपको दिखा देता हूँ, दैनिक नवज्योति अजमेर की खबर है और इसमें भी बताया गया है 11 जनवरी को उत्तर कुंजी जारी कर देगा और माह के अंत तक परीक्षा परिणाम घोषित कर देगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी के 62,907 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया था और करीब 1,89,00,000 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार परीक्षा के आंसर की 11 जनवरी को जारी कर दी जाएगी, ठीक है, 17 जनवरी तक आप आपत्ति लगा सकेंगे और परिणाम जनवरी के अंतिम सप्ताह अथवा फरवरी के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यहाँ पर सोर्सेज के अकॉर्डिंग, यानी कि दैनिक नवज्योति और द इंडियन एक्सप्रेस और RRB के अधिकारियों के मुताबिक यहाँ पर 11 जनवरी को आंसर की जारी की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जो ग्रुप डी की पोस्ट बढ़ने की बात की जा रही है वो बिल्कुल फेक है। अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी नहीं किया जिससे ये लगे कि आपकी ग्रुप डी की पोस्टें बढ़ाई गई हैं, इसलिए अभी जो पोस्ट हैं 62,907 ही हैं। कोई भी पोस्ट यहाँ पर अभी ग्रुप डी में इंक्रीज नहीं की गई हैं, तो वो फेक जानकारी है। बहुत से यूट्यूब चैनल ने उसको चलाया था कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है, तो फिलहाल कुछ भी संख्या नहीं बढ़ाई गई है। जैसे ही अपडेट आएगा, ऑफिशियली अपडेट आएगा कि वैकेंसी बढ़ी है, तो हम आपको बताएंगे, इससे पहले ये जानकारी फेक है। तो 11 जनवरी तक वेट करते हैं, आंसर की आने वाली है। और अगर आंसर की के बारे में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा या रिजल्ट से जुड़ा कोई अपडेट आएगा तो आपका अपना चैनल आपको ज़रूर जानकारी देगा। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।